नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नई दिल्ली में पूर्व सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नए सीएम के रूप में आतिशी के ऐलान करने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल को कल सौंप दिया। साथ ही साथ नई सरकार के गठन को लेकर आतिशी के नाम का प्रस्ताव भी उपराज्यपाल को सौंपा। अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि पूरा देश, खास करके दिल्ली के लोगों को ये उम्मीद थी कि जब परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी, जब वो तिहाड़ जेल में बंद हुए, तो उस दौरान मीडिया में तमाम तरह की खबरें उठी कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। लेकिन केजरीवाल ने उस दौरान भी सीएम पद से इस्तीफा न देते हुए जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया और जनता के बीच जाने का फैसला किया, क्योंकि केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार के दाग लगाए हैं, वो दाग जनता के बीच में जाने के बाद ही उनके वोटों से ही छूटेंगे, क्योंकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और अगर बीजेपी इस तरह से केजरीवाल पर हमलावर रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को खासा नुकसान होने की संभावना थी। पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपनी और पार्टी की छवि कट्टर ईमानदार वाली बना रखी है और शायद यही कारण है कि केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल घर और गाड़ी समेत सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। संजय सिंह ने बताया कि केजरीवाल एक हफ्ते में अपना सरकारी घर खाली करेंगे, साथ ही वो सारी सुविधाएं जो एक सीएम होने के नाते उन्हें मिलती थी, वो सारी सुविधाएं वो छोड़ देंगे। फिलहाल सरकारी आवास छोड़ने के बाद पूर्व सीएम केजरीवाल कहां रहेंगे, इस पर अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया है। संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। दरअसल संजय सिंह ने केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता को जताते हुए कहा कि केजरीवाल के घर खाली करने के बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है। संजय सिंह ने सीधा बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल के घर पर सुनियोजित तरीके से हमला करवाया है, ऐसे में आने वाले समय में हम सबको उनकी सुरक्षा की चिंता है। अरविंद केजरीवाल पर कई बार बड़े हमले भी हुए हैं, उन पर कभी कालिख फेंकी गई है, कभी शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप सरकारी बंगला ना छोड़े, लेकिन सीएम केजरीवाल ने साफ कहा कि वो सीएम को मिलने वाली सारी सुविधाओं को छोड़ेंगे, उनकी रक्षा खुद ईश्वर करेगा। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया है, इससे दिल्ली की जनता नाराज है, गुस्से में है। एक ईमानदार सीएम ने बीजेपी के कारण इस्तीफा दे दिया, 2 साल से लगातार बीजेपी उन्हें बदनाम करने में लगी हुई थी, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रही थी। और कोई नेता होता तो अपने पद से चिपका रहता, लेकिन केजरीवाल ने तय किया कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, उनसे ही ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिख फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई, ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं,
उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि यह घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे, अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। और इससे पहले भी जब सीएम केजरीवाल जेल में बंद थे तब भी उनकी पत्नी ने उनकी जान को खतरा बताया था। उनके स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में जमकर आरोप प्रत्यारोप चला। उस समय भी आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेताओं ने खुलकर कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल को जान के साथ खिलवाड़ उनके किया जा रहा है। जेल में बंद रहने के दौरान केजरीवाल का शुगर भी बढ़ गया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा था कि केजरीवाल शुगर के मरीज हैं, सालों से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, इससे उनकी जान को भी खतरा है। और मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी मेडिकल बोर्ड का गठन किया और मेडिकल बोर्ड को सलाह दी गई, उनकी सलाह पर उन्हें इंसुलिन दी गई। और इसी दौरान तिहाड़ जेल में कैदियों के आपस में झड़प भी हो गई थी, जिस पर संजय सिंह ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भी उसी जेल में हैं और इस तरह की घटना से उनकी भी जान को खतरा है, क्योंकि उस जेल में कई दुर्दांत अपराधी अपनी सजा काट रहे हैं। और मुख्यमंत्री होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई थी, लेकिन अब पद छोड़ने के बाद उनकी सुरक्षा भी वापस ली जा सकती है। हालांकि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें कुछ सुरक्षा दे सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उन्हें बिना सरकारी सुरक्षा के ही रहना होगा। बता दें कि इस्तीफा देने के बाद सीएम को मिलने वाली कोई भी सुविधा नहीं ली जा सकती है और दिल्ली में पूर्व सीएम को ना घर मिलता है ना ही गाड़ी। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल सिर्फ एक विधायक रह जाएंगे और दिल्ली में विधायकों को भी ना तो घर मिलता है ना ही गाड़ी, सिर्फ सैलरी मिलती है। और आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब से राजनीति में कदम रखा है उन पर कई बार हमले हुए हैं, उन हमलों की पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। नवंबर 2018 में केजरीवाल पर अनिल शर्मा नाम के एक शख्स ने मिर्च पाउडर फेंका था। 9 अप्रैल 2016 को केजरीवाल पर एक शख्स ने जूता फेंका था। ये शख्स ऑड इवन स्कीम के दौरान सीएनजी स्टिकर की बिक्री में धांधली को लेकर नाराज था। फरवरी 2016 में पंजाब के लुधियाना में केजरीवाल की कार पर कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया। इस घटना में केजरीवाल की कार का सामने वाला शीशा टूट गया था। वहीं जनवरी 2016 में आम आदमी सेना की सदस्य भावना अरोड़ा ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। 4 अप्रैल 2014 को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में केजरीवाल पर हमला कर दिया था। दिल्ली में रोड शो के दौरान एक शख्स ने मारपीट करने की कोशिश की थी। वहीं 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान ही वाराणसी में कुछ लोगों ने केजरीवाल और आपके अन्य नेताओं पर स्याही फेंकी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे, यहां पर भी अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में उस गाड़ी के शीशे टूट गए जिस गाड़ी में वो बैठे थे। मार्च 2014 में हरियाणा के भिवानी में रोड शो के दौरान खुद को अन्ना समर्थक बताने वाले युवक ने केजरीवाल की जीप पर चढ़कर उनकी गर्दन पर वार किया। 18 नवंबर 2013 को केजरीवाल पर एक शख्स ने स्याही फेंक कर हमला किया। हमला करने वाले आरोपी ने खुद को अन्ना हजारे का समर्थक बताया। इस तरीके की तमाम घटनाओं का जो दिल्ली के पूर्व सीएम के साथ घटी थी, इन सभी घटनाओं का आप सांसद संजय सिंह ने उठाते हुए उनकी सुरक्षा की चिंता जताई और इसका सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया। वहीं केजरीवाल की आवाज को लेकर पार्टी सूत्रों का कहना है कि वैसे तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते वो सरकारी आवास पाने के हकदार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने दफ्तर के लिए ही बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाई है। ऐसे में केंद्र सरकार केजरीवाल को रहने के लिए कोई जगह मुहैया कराएगी, इसकी उम्मीद पार्टी नेताओं को कम ही है।
क्योंकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल राजनीतिक रूप से काफी व्यस्त रहेंगे, ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि उन्हें सेंट्रल दिल्ली में ही कहीं रहने की जगह मिल जाए। वो किसी सरकारी आवास में भी रहकर सरकारी रेट पर उसका किराया भी चुका सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट मकान भी किराए पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की बात उठाई गई है संजय सिंह की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखते हैं कि सरकार उन्हें किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।